हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अंकिता स्टाइल एंड टिप्स में। आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज जो कि बहुत खूबसूरत है। आप करवा चौथ, दिवाली या कोई भी त्यौहार में आप पहन सकते हैं। बहुत न्यू डिज़ाइन है ये, बहुत आसान है ये सिलना भी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप भी आराम से सिल सकेंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम बना। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज है जो कि देखने में बहुत स्टाइलिश है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसे एक बार बना। देखिए, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो आपका ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज हो जाएगा। बट सबको ही को अच्छा नहीं लगता इस टाइप का ब्लाउज पहनने के लिए, तो हम ऐसे आप बना सकते हैं ये ब्लाउज ऐसे कर। बहुत आसान है। मेरा पूरा आप वीडियो देखिएगा तो आप आराम से बना सकेंगे। मैं ये ब्लाउज का जो हमें जो हाथों में लेस मिलता है वही लेस है ये। मैंने इसको राउंड जो हम कपड़े काटे थे उसमें अटैच कर लिया और ये चुन्नट थोड़ा थोड़ा दे देकर अटैच किया, क्योंकि हमारे लेस सीधे होते हैं, हमें इसमें राउंड चाहिए था, इसलिए मैं वो लेस को इसमें चुन्नट दे देकर अटैच कर दी हूँ। हमारा लेस भी वेस्ट नहीं होगा और आपका हैवी ब्लाउज भी हो जाएगा। और जिस कलर का साड़ी था मैंने उस साड़ी के कलर का फ्लावर लगा लिया था, रोज़ वाला, ये जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मैंने ये साइड में जीप वाला सिस्टम किया था, देखिए जीप वाला। और मैंने ये प्रिंट्स कट किया है, मैं आपको दिखाई नहीं इसलिए कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए हमारे ब्लाउज, और इसके पीछे मैंने देखिए इस तरह ये नेट का लगाया है। मैं ये भी डालती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मैं आधा इंच ही काटूंगी इसे। अब इसको कटिंग करेंगे हम लोग। अब हम इसके फैब्रिक में ही इसको रखकर काटेंगे। ये इसका फैब्रिक। फ्रेंड्स, अब हम शोल्डर काटेंगे इसका। देखिए, मैं आपको एक ब्लाउज दिखाकर बता दे रही हूँ आप कैसे शोल्डर काटें। ये हमारा ये जो पीछे है, ये हाथ जो है हमारा इसका पीछे, यहाँ से आप लें इसको, यहाँ से देखिए आप, हमारा ये जो हाथ है शोल्डर के नीचे से ऐसे। अब इसको हमें पूरा दूसरे हाथ के राइट से लेफ्ट हाथ के पीछे तक हमें जितना लेना है उसे हमें थोड़ा यहाँ ढीला रखना, हमें इस तरह इसको लगाना है। देखिए इसके पीछे तक हमें हमारा 22 आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। आप थोड़ा ढीला ही काटिएगा और थोड़ा ज़्यादा ही काटिएगा, क्योंकि कम कपड़ा नहीं पड़ना चाहिए हमारा। देखिए यहाँ से इसको ऐसे हमें यहाँ से लूज करना है ऐसे। फिर दूसरे हाथ तक, यहाँ तक देखिए 24 है, हमें लूज कर उसे काटना है कपड़े पे भी। देखिए मैंने ये फ्रंट कटिंग लिया है, आपको इसे अस्तर के कपड़े पे ऐसे इसको रख देना है ऐसे। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब आपको जितना चौड़ा पट्टी लेना है आप उतना लीजिएगा। मैं देखिए मैं 3.5 ले रही हूँ। हमें इसे राउंड शेप में करना है। हमें इसे अरेब काटना है, आप कभी भी सीधा मत काटिएगा, आपका ये अच्छा नहीं होगा। हम
हमेशा 2 इंच आप लंबा ही काटिएगा ताकि आपका ये कपड़ा कम ना हो। देखिए मेरा 16 हो रहा है, मैंने 3.5 इंच आप ऐसे यहाँ हो रहा है 3.5 इंच। देखिए ऐसे रख रख कर काटिए ताकि आपका भी गलत ना हो। और फिर इसे हम हमारे ब्लाउज के कपड़े में काटेंगे। अब इसको हम कटिंग करेंगे। आप कटिंग करके फिर नाप लीजिएगा ठीक हो रहा है कि नहीं, फिर सिलाई कीजिएगा। अब हम इसको पेपर पेस्ट करेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है, हम ब्लाउज के कपड़े में पेपर पेस्ट करेंगे। देखिए मैं ब्लाउज में आपको कर दिखा दे रही हूँ कैसे आप करें। देखिए हमारा ये ब्लाउज है, ये देखिए आप इसको ऐसे पीछे तरफ ऐसे सिलाई करेंगे, फिर ये रहा ऐसे, इसको ऐसे ऐसे रहेगा हमारा वो ऑफ शोल्डर। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसका अरे पट्टी काट कर लगाएंगे गले में। ये हमारा कपड़ा है, इसको हम अरेब कटेंगे। देखिए मैंने पट्टी सिल दिया है, अब इसके गले में कटिंग करेंगे हम छोटा छोटा ताकि हमारा ये गला अच्छा से हम पलटे तो फिनिशिंग आए। अब हम कटिंग लगा लिए हैं, अब हमें गले में ये अस्तर के कपड़ा पे हमें सिलाई करना है ताकि हमारा ये गला देखिए इस पर चारों तरफ बैठ सके। फ्रेंड्स देखिए मैंने वो हमारे ब्लाउज के फैब्रिक में मैंने देखिए कैनवास लगा लिया है। अब इसको हम इस साइड से हम सिलेंगे। हमारा ये फैब्रिक अंदर रहना चाहिए, इसके ऊपर अस्तर रहना चाहिए, तो आप अपने ब्लाउज के जो फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर रखकर सिलेंगे और फिर उसको पलटेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। हमें ये एक तरफ ऐसे सिलाई करना है और हमारा ये दूसरा तरफ हमें सिलाई नहीं करना है क्योंकि हमें ये पलटना है, इसी वजह से हमें दूसरी तरफ सिलाई नहीं करना और एक तरफ ये सिलाई करना है हमें। ठीक है हम सिलते हैं। चलिए देखिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, ऐसे हम सिलाई करेंगे इसको रख कर, इसको चारों तरफ से सिलना है हमें। देखिए मैंने सिल लिया है, एक साइड मैंने क्लोज किया है और एक साइड मेरा ओपन है। देखिए क्योंकि हमें पलटेंगे इसे, हमारा ये कैनवास। देखिए फ्रेंड्स मैंने चारों तरफ पट्टी लगा ली है, ये हाथों में गले में और ये और पीछे मैंने ये टक्स भी दे दी है। देखिए अब इसको हम ये ऑफ शोल्डर कैसे लगाएं, हमें ऐसे सिलाई कर नहीं लग पाएगा हमसे, हमें ऐसे करना है, इसको नापना है। देखिए ऐसे इसको ठीक से रखें कपड़ा ऊपर वाला।
हमें ऊपर से 4.5 लेना है ऐसे। हमें ऐसे राउंड राउंड इस साइड भी ऐसे नाप लीजिएगा आप 4.5। ये रहा 4.5। इसके बाद हमें ऐसे राउंड लेकर जाना है और हमें ऐसे लगाना है यहाँ पे, तभी हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। देखिए मैंने यहाँ टेजर लगा लिया है, इससे ब्लाउज़ का लुक भी बहुत अच्छा आएगा और हैवी ब्लाउज़ भी हमारा हो जाएगा। अब इस देखिए यहाँ से यहाँ इतना हमारा जितना ये बचेगा, इसको इसके पीछे तरफ ऐसे कर देंगे हम, इस साइड भी ऐसे ही होगा और हमारा देखने में भी खूबसूरत लगेगा। चलिए सिलाई करते हैं। देखिए हम इसका मिडिल ले लेंगे, ये है इसका मिडिल, और हम ब्लाउज़ का भी मिडिल लेना है। आप ऐसे फोल्ड करके देख लीजिएगा इसका मिडिल कौन सा है ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ का मिडिल ये है, ये मैंने सारा बीचों बीच ले लिया है। देखिए सिलाई, देखिए अब हो गया है। अब हमारा ये जो बचा है, हम पीछे पार्ट में जो ये ब्लाउज है इसके यहाँ पे हम अटैच कर देंगे ऐसे। देखिए अब हम इसको पहले फिटिंग करेंगे फिर इसको अटैच करेंगे पीछे वाले। एक साइड मैंने फिटिंग कर लिया है, अब मैं ये साइड जीप लगाऊंगी तो मैं इसको ऐसे हल्के से ऐसे मोड़ना है हमें, फिर इसका मैं फिटिंग लगाऊंगी। 3 इंच तक मुझे फिटिंग लगाना है, फिर उसके बाद मैं जीप लगाऊंगी इसमें। देखिए मैंने ये सिल दिया, अब इसको हमें हमारा ये पीछे वाले हाथ में उसके पीछे ऐसे हमें लगाना है। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पीछे यहाँ पे हम सिलाई करेंगे और इधर भी हम यहाँ पे सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए हमारा ऑफ शोल्डर है, यहाँ पे हम 3-3 इंच हमें लेना है और सिलाई करना है। देखिए इसे हमें ऐसे ही पीछे सिलना है, पीछे वाले बाजू में इसे हमें जोड़ना है। देखिए हमारा दोनों तरफ ये सिल चुका है, अब हम यहाँ जिप लगाएंगे। जिप भी लगाना बहुत आसान है। देखिए हमने फिटिंग कर लिया, अब हमारा ये जो कपड़ा बचेगा इसमें हम जिप लगाएंगे। देखिए मैंने ये फोल्ड कर लिया, हमें जिप को ऐसे रखना है, अंदर की तरफ थोड़ा सा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई करना है। देखिए मैंने एक साइड जिप मेरा सिल लिया है, हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलना है। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए मेरे फाइनल लुक ब्लाउज़ का कुछ इस तरह है।